ज़्यादा डर गई, इतना ज़्यादा डर गई। और ये यहाँ पर आ गया है सरप्राइज। स्टे ट्यून्ड। और अभी सब करने का दरिया सा हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रही है सुबह की 6:40 और मैं हो चुकी हूँ रेडी शॉप पर जाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह है मेकअप, सो इसीलिए। और सुबह का वेदर आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। इसी चक्कर में आजकल सुबह वॉकिंग वगैरह करने के लिए नहीं उठ रही हूँ। 3-4 दिन उठी और बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, सो इसीलिए अभी हैप्पी भी आगे कर रही हूँ वेट। हैप्पी भी अभी लेने आएंगे, फिर जाऊँगी सैलून पर। सैलून पर पहुँच चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा ठंड का सामना करते हुए। अब मेकअप्स हो गए डन और मैं हो गई फ्री। अभी बज रही है 9:30 और अब चलते हैं घर पर और अब रेडी वेडी होके आते हैं, क्योंकि ये ओगड़ ने ओगड़ आ गए हैं शॉप पर। देख सकते हो फेस की क्या हालत है मेरी, यार फुंसी हो गई यार, क्या बताऊँ। घर पर आ गए हैं और चिकू तो आज जा रहे हैं उदयपुर। कल मैं व्लॉग बनाया पर पूरा नहीं बना पाई थी। क्यों नहीं बना पाई थी बाद में बताऊंगी, पूरी वीडियो देखो एक बार, फिर पता चलेगा क्यों नहीं बना पाई थी और क्या हुआ था मेरे साथ। मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी बिल्कुल, राम जाने कहाँ से आ गया ये कोरोना। मैंने नहा लिया है और चिकू चले गए उदयपुर। एक बार तो बगैर खाना वगैरह बनाए ही जा रही, क्योंकि शॉप पर क्लाइंट्स आ चुके हैं। मास्क लगा लेती हूँ, आज से डबल मास्क चालू कर दिया और बस अब जाते हैं। अभी जस्ट हुई हूँ मैं फ्री, आगे वाली शॉप पर बैठी हूँ, क्योंकि चिकू और हैप्पी भैया दोनों गए हैं उदयपुर। घर पे ले जाने वाला कोई है भी नहीं और प्लस शॉप पे भी कोई नहीं, क्योंकि ज्योति के भी घर पे गेस्ट आ गए हैं, तो ज्योति अभी वापस से गई है घर पर और खाना वगैरह बनाएगी, उसको भी टाइम लगेगा। कल क्या हुआ था वो बता देती हूँ। चलो, कल ये हुआ था, एकदम से COVID-19 का कहर हम पे टूट पड़ा था, जो कि यानी डर की ही बात है। चिकू को एकदम से बुखार आ गया, वो भी 104.4 ऐसा कुछ बुखार आया। यानी मैं तो इतना ज़्यादा डर गई, 2-3 घंटे तक बुखार उतरा ही नहीं बिल्कुल। कहीं धीरे धीरे चेक किया, फिर टेम्परेचर कम किया, टेम्परेचर कम हुआ धीरे धीरे, फिर ठंड लग ही रही थी साथ साथ में, इतनी टेंशन हो गई थी मुझे। मैंने इसके चक्कर में व्लॉग ही नहीं किया कल, क्योंकि इतना बुखार और अभी कोविड का सीन भी इतना ज़बरदस्त का चल रहा है। और मेरी बिंदिया एज यूजुअल पहले की तरह गर्मी में नहीं रहती थी, वैसे अभी भी रहना बंद हो गई है, तो वही चीज़ हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं, फिर डॉक्टर से कंसर्न किया, कोई बाकी सिम्टम्स नहीं थे, बस ठंड लग के बुखार आ गया था। अब वो क्यों आ गया था वो पता नहीं है, हालांकि अभी कोविड ज़्यादा बढ़ रहा है इसलिए हमको डर लग रहा है। बाकी बीच में भी आ ही रहे थे सबको बुखार सर्दी जुकाम, पर उस टाइम पर कुछ नहीं था। इवन मैं भी शादियों में काफ़ी बीमार हुई हूँ, अभी जो शादियाँ थी उस टाइम पे मुझे भी बुखार तो नहीं पर सर्दी जुकाम, गला ख़राब, बहुत सारा सब कुछ हो रहा था, खतरनाक दिमाग ख़राब हो गया उस वजह से। फिर दवाई दी, फिर बुखार उतरा, फिर क्या पसीना हुआ है चिकू का, फिर शांति पड़ी मन में कि नहीं यार अब सही हो गए हैं चिकू। और फिर ब्लॉक करने का मौका ही चला गया था, क्योंकि रात पड़ गई थी इसीलिए। और आज वो उदयपुर गए, उदयपुर कुछ न्यू सरप्राइज़ आ रहा है आगे वाली शॉप पर और बहुत ही अच्छा कुछ, तो इसीलिए सारा काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया। पर वाह, आज सुबह से काम पे लग गए हैं और वही सरप्राइज़ आने वाला है, देखो क्या सरप्राइज़ आता है कल के व्लॉग में। ज्योति आ गई है शॉप पर, तो मैं जा रही हूँ अभी खाना खाने के लिए और अभी बज रही है 2:30। मैं आ गई हूँ खाना खाकर शॉप पर, क्योंकि मुझे चलते चलते जाना था इसलिए मैं कैमरा लेके नहीं गई थी, क्योंकि चलते चलते जाऊँगी कहाँ, ऊँचा करके लेके जाऊँगी, और इतना फास्ट चल के गई, 2:30 पे यहाँ पे निकली और 2:32 पे तो मैं घर पहुँच भी गई थी। हाँ, और ये यहाँ पर आ गया है सरप्राइज, इसको कल बताएंगे, ये कल के व्लॉग में कंटिन्यू रही है, पता चल जाएगा क्या चीज़ आई है। प्रोडक्ट अनबॉक्स हो चुका है, अब क्या है वो तो आपको पता चल ही जाएगा बहुत जल्दी, तो स्टे ट्यून्ड। और अभी थोड़ा सा इसका काम कर रहे हैं और काम अच्छे से हो जाए, डिस्प्ले वगैरह करके कम्प्लीटली आपको इस ब्रांड के साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे।
और मिक्स ट्रीटमेंट करने वाले हैं। ये यहाँ पर हम सीरीज एक्सपर्ट का हम यूज़ करने वाले हैं। तो इन दोनों को मिक्स करेंगे, सेम क्वांटिटी लेनी है। और अगर स्पैटुला देना, अब ये जो है वो पूरे रूट्स में लगेगा एंड देन पूरी लेंथ पर ये वाला मास्क लगेगा। मास्क लगा है, 15 मिनट्स हो चुके हैं, तो अब मास्क हो रहा है वॉश। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। पूरा पावर मिक्स ट्रीटमेंट हो गया है, बालों में आप शाइन देख सकते हो कैसी आई है। क्लोजिंग का टाइम हो गया है, अब जा रहे हैं आगे वाली शॉप पर और चिकू लेने आएंगे, फिर जाएंगे घर पर। घर पर आ गई हूँ और चिकू की फरमाइश है कि आलू के पराठे खाने हैं, तो आलू के पराठे बनाने के लिए ये आलू है जो बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। अभी आटा वगैरह गूंद देती हूँ और प्रोसेस स्टार्ट हो गया है बस। ओ कौन है? मैं डर गई। ये तुम ऐसे मत आ जाया करो, वो भी गई। ये भाई अभी मैंने कहे कल के दिन जो व्लॉग आधा अधूरा हुआ था उसमें हमने काम किया था लहसुन छिलने का और धनिया साफ करने का। धनिया साफ करने का क्योंकि ये है मसाला इकट्ठा हो रहा है, कितने दो तीन महीने का एक साथ हम इकट्ठा कर रहे हैं मसाला। एक महीने का मसाला इकट्ठा हो रहा है जो कि हम डायरेक्ट ये जो लाल मसाला है वो नहीं खाते हैं, वो धनिया और लहसुन के अंदर मिक्स करके खाते हैं ताकि वो मसाला है जो एकदम से तेज नहीं लगे और एसिडिटी वगैरह की भी प्रॉब्लम नहीं हो, ऐसा हमारा मानना है। अगर आपका भी मानना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि खाना और टेस्टी बनता है। और अभी ना बर्द मारा मुझे जो अब फंसे अभी तमाम मुझे वेगा। तो अभी वही मम्मी मसाला इकट्ठा कर रहे हैं, सारा एक साथ पीस तो दिए, अब लहसुन और धनिया के अंदर जा रहा है लाल मसाला। तुम क्या कर रहे हो बैठे बैठे? यहाँ शूट करो, मैं तुम्हारे लिए आलू पराठे बना दूँ। तो ये पूरा आपके भी बनाना है तो बना देना, ये सीख लो। हाँ, जिसको नहीं आता उसको। अब इसके अंदर क्या क्या डाला है बता दो। इसमें हरा धनिया और लहसुन और नमक डाला है और ये अभी मिर्ची डाल के फिर इसको मिक्स करके फिर इसको हम डब्बे में डाल देंगे, भर के फिर फ्रीजर में रख देंगे। फ्रीजर में खराब नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर पानी का अंश नहीं रहने दिया हमने, इसलिए पानी तो डालना ही नहीं चाहिए, पानी डालते ही नहीं इसमें, पानी अपने आप पिसा जाता है। पहले लोग तुरंत इकट्ठा करके खाना बनाते थे, अब रोज रोज होता नहीं इसलिए एक साथ इकट्ठा करके रख देते हैं। ये सारा ऐसे ऐसे करके इकट्ठा होगा, अगर थोड़ा सा भी इसकी कंसिस्टेंसी लूज लगेगी तो और टाइट करने के लिए इसके अंदर मसाला डालेंगे। बस अब आलू पराठे बना रहे हैं और ये मसाला भी इकट्ठा हो गया, ये इस डब्बे में भर दिया है मम्मी ने और बचा कुचा कुछ था वो किसी और में भी सेट कर रहे आई थिंक, क्या पता कहाँ गए मम्मी लेके गए।
तो ये तवा तो यहाँ पर रख दिया है गर्म होने के लिए। ये आलू पराठा का जो मिक्सचर है वो यहाँ पर मैश करके रख दिया है, तो अब आलू पराठे बन रहे हैं। ये रहा बच्चा कुछ मसाला, सब ने खा लिया आलू पराठे, मेरे ही खाने बाकी हैं। तो अब मैं भी खाना खाने के लिए बैठ जाऊंगी और चिकू को दे देती हूँ वीडियो एडिट करने के लिए। सो अपना काम भी हो जाएगा, खाना भी खिला जाएगा, सब काम लाइन से। सबको इसी प्लेट में सर्व किया था तो प्लेट भी ख़राब हो गई है और मैंने मेरा निवाला भी तोड़ दिया है। एक ही आलू पराठा मुझे खाना है तो मैं खा लेती हूँ, क्योंकि आधा तो क्या, आधा पापा ने लिया था, आधा चिकन लिया था, वो थोड़ा सा बच गया था, वो मैंने खा लिया था, तो आधे से कम कम तो मैंने खा लिया है। एक और खा लेती हूँ और पेट भूख ख़त्म। बस मैं यहीं पर कर देती हूँ मैं व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वी व्लॉग, बाय।